गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू जगत स्टडी सर्कल। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये फिर से आपका 11th का टॉपिक है। ओके, तो देखिए बेसिकली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे, जब भी कोई दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे ये कुछ लॉज को फॉलो करती हैं। ओके, जब भी आपके पास जो है रिएक्टेंट्स रिएक्ट करता है और ये प्रोडक्ट बनाता है, ओके, तो यहाँ पे जो है वो कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम ये जो है जो रूल्स यहाँ पे फॉलो की जा रही हैं, उन्हीं के बारे में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके, हमारा जो पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, जब भी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या है, रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे देखिए जितना मास आप रिएक्टेंट का लीजिएगा उतना ही मास आपको प्रोडक्ट का भी मिलेगा। मतलब अगर आपने जो है 10 ग्राम रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाया है तो आपके पास जो है बेसिकली 10 ग्राम प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। यहाँ पे मास जो है वो सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे सपोज कीजिए अगर बात की जाए आपसे पास हाइड्रोजन है और साथ ही साथ जो है ऑक्सीजन, ओके, ये रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है वाटर, ठीक है। अगर सपोज करो आपने जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो लिया हुआ है दोनों का जो मास है, सपोज कीजिए अगर ये 100 ग्राम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास आपने लिया वो 100 ग्राम है, तो आपके पास जो वाटर मिलेगा वो भी 100 ग्राम ही होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट इज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो मास जो होता है वो कंजर्व रहता है, उसमें कभी भी कोई भी बदलाव नहीं आता है, ठीक है। आप जितना रिएक्टेंट लीजिएगा उतना ही प्रोडक्ट आपके पास जो है मिलने वाला है। ओके, तो ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये 1789 में इन्होंने दिया था एंटोनी लवोइजर ने। ओके, ये जो लॉ था 1789 में एंटोनी लवोइजर ने इस लॉ को दिया था कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आपके जो रिएक्टेंट्स के मास होते हैं वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ओके, अब देखिए दूसरा जो लॉ है हमारे पास दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। अभी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन कहता क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन कहता है कि जब भी दो चीजें रिएक्ट करती हैं, ओके, तो ये हमेशा इस तरह से रिएक्ट करती हैं कि इनके वेट का जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है। जब भी दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो ये इस तरह से रिएक्ट करती हैं कि इनके वेट का जो रेशियो है वो फिक्स रहता है। कैसे, देखिए सपोज कीजिए आपके पास जो है हाइड्रोजन है, ओके, और ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और बनाता है वाटर। ओके, अब देखो यहां पे अगर हम देखें मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन तो कितना है आपके पास, 2 ग्राम। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, दैट इज एक ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का मोलर मास 32। ओके, तो यहां पे देखो हाइड्रोजन का जो है 2 ग्राम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के 16 ग्राम से। अगर हम इन दोनों वेट का रेशियो लें तो रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास, आप देख सकते हो 1:8 का रेशियो। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, वाटर को फॉर्म करवाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ये हमेशा ही 1:8 के रेशियो में कंबाइन करता है बाय देयर वेट। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता क्या है, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि जब भी दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं तो इस तरह से रिएक्ट करती हैं कि उनके जो वेट का जो रेशियो होता है वो फिक्स रहता है, उसमें कभी बदलाव नहीं आता है। ओके, वेट का जो रेशियो है वो फिक्स रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और इस लॉ को दिया था जोसेफ प्राउस ने। ओके, आपके पास जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है इसको दिया था जोसेफ प्राउस ने।